गाइस वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग। तो आज का ये ब्लॉग गाइस ब्लॉग कम और डियर ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि आज की इस ब्लॉग में मुझे 5 ऐसे खतरनाक डियर मिलने वाले जिसे देखने में आपको मजा मिलने वाला है और मुझे सजा मिलने वाला है, क्योंकि इस डियर को मुझे एनी हाउ किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है। अगर मैं इस डियर को कंप्लीट नहीं कर पाया तो ये जो आप लोग प्यारे बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इनके हाथ में अंडा होगा और निशाना मैं रहूंगा। तो सबसे पहला डेयर मैं अपने सबसे क्लोज फ्रेंड से लेना चाहूंगा। कबीर भाई, तो क्या डेयर देना चाहते हो मुझे? डेयर? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डेयर तो सोच लिए हैं, लेकिन उससे पहले तुम प्रॉमिस करो कि इस डेयर को पूरा करोगे। नहीं पूरा करोगे तो फिर सब बच्चे लोग मिल करके अंडा से मारेंगे, देख रहे हो? ठीक है, तो पहले वचन लो बाबू। वचन, राज माता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर वचन लेता हूँ कि इस डेयर को मैं किसी भी तरीके से पूरा करूंगा। लेकिन तुम भी एक बात याद रखना कि हम दोनों फ्रेंड हैं। फ्रेंड फ्रेंड कुछ नहीं, दोस्ती टूटना नहीं चाहिए। डेयर डेयर होता है। चलो बच्चे इधर आओ। तो कबीर भाई, पता नहीं बच्चों के साथ मिलके मुझे क्या डेयर देने वाले। मुझे तो भाई अभी से ही डर लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। दया, लगता है ये लोगों का प्लान बन चुका है। क्या डिसीजन लिए हो भाई? डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन। तो फिलहाल बहुत डिस्कशन करने के बाद हम लोग इस नतीजे में पहुंचे हैं कि पहला जो डेयर होगा वो तुमको ऑटो में बैठना है। हाँ। और ऑटो में बैठ के थोड़ा दूर ट्रेवल करना जाना है और उसको बिना भाड़ा फेयर दिए हुए भाग जाना है। क्या खतरनाक डेयर दिया इन्होंने। लगता है आज पिटाई तो बनता है भाई, बट कबीर भाई ने डेयर दिया है तो कंप्लीट करना तो बनता है। तो अभी हम लोग ऑन रोड पे आ चुके हैं, जहाँ पे अभी साहिल भाई को ऑटो लेना है। और साहिल भाई को उस तरह का ऑटो लेना है जिसमें ज्यादा पैसेंजर हो, ताकि ये बिना भाड़ा दिए हुए भागे तो उन लोग का रिएक्शन हम लोग को देखने को मिले। तो साहिल को क्या करना है कि साहिल थोड़ा आज मार खिलवा के रहोगे भाई तुम, तब डेयर है तो लेना ही पड़ेगा। तो साहिल को थोड़ा आगे से बैठना है और हमको थोड़ा पीछे से, ताकि ऑटो वाले को शक नहीं होना चाहिए। हम लोग, मैं पहले बैठूंगा और थोड़े दूर पे जाकर कबीर भाई बैठेंगे, ताकि ऑटो वालों को शक ना हो कि हम लोग दोनों एक साथ में। भाई ऑटो वाले का रिएक्शन क्या होगा? मार तो नहीं हो जाएगा ना? अब देखने के बाद ही पता चलेगा और हम पूरा रिएक्शन आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे। हम पीछे बैठेंगे और पूरा कैमरा से आप लोग को दिखाएंगे। चलो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या बोला तूने? मेरा बोलने का मतलब है कि चलो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिलहाल वहाँ पे साहिल जो है ऑटो का वेट कर रहा है, ऑटो रखवाएगा और वहाँ बैठेगा और फिर हम भी किसी के साथ बैठ जाएंगे। फिलहाल हम पीछे बैठ चुके हैं और साहिल आगे बैठा हुआ है। तो अभी उसका रिएक्शन, मतलब जब भागेगा तो उस टाइम का रिएक्शन अभी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। दिवाली का बाजार होना चाहिए, आगे रुक जाइएगा। फिलहाल गाइस मैं तो भाग कर आ गया हूँ, अब कबीर भाई मैनेज करेंगे। भाई क्या होता है मुझे कुछ भी पता नहीं, बट फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे किया। हालांकि कबीर भाई वो बाद में पैसा दे देंगे और बता देंगे कि ऐसा ऐसा सीन है। भैया साइड कर दीजिए, लड़का भागा, कुछ कह नहीं बोले। लीजिए उसका भी, हम लोग वीडियो बना रहे थे, ठीक है, प्रैंक वीडियो बना रहे थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। फिलहाल साहिल बहुत ज्यादा दूर तक भाग चुका है और यहाँ पे हम लोग अपना दोस्त लोग को भी रखे थे, ताकि उसका जो भागने वाला है वीडियो, ताकि शूट कर पाए। तो यहाँ पे साहिल आ रहा है। क्या रिएक्शन है? मुझसे पूछे कि मतलब कि आप लड़का भागा, आप कुछ कहने बोले तो मतलब क्या बोलेंगे? भाग किया लड़का, कुछ रिएक्शन आया कि नहीं? नहीं आया, तो हम लास्ट में बता दें कि हम लोग एक डेयर वाला वीडियो शूट कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग फिर से बैठ के अब घर जा रहे हैं, बट हमें उतना खास रिएक्शन नहीं मिला उस ऑटो वाले चाचा का। पता नहीं भाई क्यों ऐसा रिएक्शन नहीं दिए, हो सकता है 5-10 रुपए के लिए क्या ही चिल्लाएंगे वो, यही सोच रहे हो।
अच्छा अंकल बोल रहे कि आपको मतलब कोई पैसेंजर आपका बैठा ठीक है और बिना पैसे दिए हुए भाग गया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा उसमें? पहला डेयर तो हमने कंप्लीट कर लिया है, हालांकि मैंने सोचा था कि अच्छा रिएक्शन मिलेगा हमें ऑटो वाला का, पर उतना खास रिएक्शन नहीं मिला, लेकिन मैंने अपना डेयर कंप्लीट किया है, इसे लेकर मैं बहुत खुश हूँ। आगे का डेयर भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, अगला डेयर देखते हैं किसकी तरफ से है। तो अगला डेयर मुझे मिला है आदित्य ब्लॉग्स की तरफ से, देखते हैं इनका डेयर क्या है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड इट्स मी आदित्य ब्लॉग एंड वी आर वॉचिंग एट पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। तो पहाड़ी वाला ब्लॉग्स को मैं चैलेंज देता हूँ कि आपको जाना है किसी आसपास के मॉल में, वो भी गंजी और गॉगल्स में यानी कि चश्मे में, बनियान और चश्मे में, और पब्लिक रिएक्शन लेना है। तो इट्स कंप्लीट नाउ एंड आप लोग पूरा एंजॉय करो, देखते हैं कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। क्या क्या? बनियान और चश्मे में मॉल जाना है और लोगों का रिएक्शन लेना है? भाई ये नहीं हो पाएगा गाइस, सच्ची बता रहा हूँ, ये नहीं कर पाऊंगा मैं। भाई अपने एरिया में दबदबा है मेरा थोड़ा सा, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। ये दबदबा खत्म हो जाएगा बनियान और चश्मे में मॉल जाऊंगा तो। लेकिन आदित्य ब्लॉग ने बोला है तो करना तो पड़ेगा, और मैंने वचन भी लिया है, ये वचन को मैं टूटने नहीं दूंगा। चलो ये डेयर भी कंप्लीट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पे फुल प्लानिंग हो चुका है और हम लोग दो आदमी को अपना मॉल के अंदर भेजेंगे, मोबाइल दे दे रहे हैं दोनों को, जाना तुम लोग अंदर से वीडियो करना ठीक है। साहिल बाहर से बिना शर्ट का घुसेगा, उसके बाद देखते हैं कैसा लग रहा है भाई। गाइस मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, बट आदित्य ब्लॉग ने डेयर दिया तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा। थोड़ा शर्म लग रहा है क्योंकि ये हमारे घर के बगल वाला ही मॉल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे कॉलोनी के होंगे, तो भाई वो लोग क्या सोचेंगे, कम से कम इसके पास एक टी शर्ट नहीं है, वो तो पहन के आता बनियान में आ गया मॉल, इतने बड़े मॉल में, तो शर्म लग रहा है, बट कंप्लीट डेयर लिया तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। अंडा मार होगा, जल्दी खोलो शर्ट, खोलो चलना पहनो और सीधा मॉल निकल दो। चलो उस बचपन को याद करता हूँ और शुरू करता हूँ। खोल देना साहिल, इतना काहे सोच रहा है, तो जल्दी खोल, जल्दी खोल, टाइम नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। चश्मा लगा, चश्मा गजब बेइज्जती है। इज्जत मैंने हाथ में रख लिया है, चल चल जा, नौटंकी ने कर, चल हट। शकल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी। कैसा लग रहा है? चैलेंज कंप्लीटेड भाई, सबसे पहले तो टी शर्ट वाला टी शर्ट चोरी करके ले गया तुम, चोर समझ रहा था, चोर चोरी करके ले रहे हो क्या? मतलब ये खुद का है। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे डेयर की तरफ जो कि हमें मिला है विजय रिया ब्लॉग जी की तरफ से, चलिए देखते हैं उनका डेयर क्या है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक नई वीडियो में। और दोस्तों ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो आएगी पहाड़ी वाला ब्लॉग्स भैया के चैनल में। और दोस्तों पहाड़ी वाले जो भैया वो एक चैलेंज वीडियो बना रहे हैं, वो उनका चैनल का नाम है पहाड़ी वाला ब्लॉग्स, और वो पहाड़ का बहुत सीन दिखाते हैं। और एक वीडियो में वो गए हुए थे पहाड़, जो अपने मित्रों के साथ गए थे और एक चमगादड़ का बिल में घुसे हुए थे चट्टान के नीचे, तो वो अगर रियल में पहाड़ी वाले भैया है तो वहां जाकर के एक बार अच्छे से घुसे और दिखाए सभी हमारे यूट्यूब फैमिली को। तो इनका डेयर है कि हमारे पहाड़ में एक पतला सा चमगादड़ का गुफा है, उस गुफे में मुझे होकर पार जाना है। तो हाँ इनका डेयर काफी हद तक मुझे ठीक ठाक लग रहा है लेकिन खतरनाक है, बट इस डेयर को मुझे करना है क्योंकि अगर मैं इस डेयर को नहीं कर पाया तो मैं पहाड़ी वाला कैसे कहलाऊंगा। तो आ जाओ, तो यही वो खतरनाक चमगादड़ वाला पतला सा गुफा है। और चैलेंज ये है कि इस गुफा में गाइज मुझे अकेले जाना है। मैं इस गुफा में बहुत बार गया हूँ लेकिन हम लोग चार पांच ऐसे लोग गए हैं, आज फर्स्ट टाइम मैं अकेले यहाँ पे जाऊँगा। और हाँ अंदर भाई बहुत सारे चमगादड़ है तो इसका भी डर है, लेकिन ये चैलेंज तो पूरा करना होगा। और तुम लोग
चलो गाइस इस चैलेंज को भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। काफी तकलीफ करके चढ़ रहे हैं। इससे पहले भी मैं एक बार जा चुका हूँ बट वहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग थे, अभी मैं अकेले जा रहा हूँ। भाई मत डरा कसम से, और यहाँ पे स्पेस भी नहीं है कि मैं इसमें अच्छे से चढ़ पाऊँ, बट ट्राई तो करना है। चलो आगे का सीन देखें आप लोग। डियर अगर खतरनाक नहीं लिया जाए तो फिर डियर किस नाम का। अरे बाप रे, चलो तो गाइस मंजिल सामने है। चलो चैलेंज कंप्लीट। और तीसरे डियर में हमारे टीम मेंबर पूरे थक के चूर चूर हो चुके हैं। मेरा भी एक डियर। क्या भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो अब चलते हम लोग अपने चौथे डियर की तरफ, और चौथा डियर मुझे मिला है मेरे फैमिली मेंबर से। तो चलिए देखते हैं ये डियर कैसा है। ये डियर तो मुझे लगता है बिल्कुल भी आसान ही होगा भाई, मेरे फैमिली मेंबर दिए, आराम से कर लूंगा। चलिए पूछते अपने बहन लोगों से कि इनका डेयर क्या है। तो क्या है तुम लोगों का डेयर? ये है कि आपको मेकअप करना है और आपको कभी नहीं करेगा। मेकअप कौन करेगा? कभी भाई। मजा आएगा, ज्यादा नहीं हो गया? मैंने सोचा था एकदम आसान मुझे ये डेयर मुझे मिलेगा मेरा फैमिली मेंबर से, यही सबसे हार्ड मुझे लग रहा है। इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। क्या क्या करना पड़ रहा है? मेकअप ला, मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हो? अभी पूरा कलर दिखाएंगे अपना बैठक सीधा। तो यहाँ पे इतना सारे लोग देखने के लिए आए हैं कि साहिल भाई मेकअप के बाद कैसा दिखते हैं। तो साहिल भाई 1 2 3 वाओ वेरी अमेजिंग। लो आईना लो, जल्दी देखो अपना। ये तो फट्टी है। पापा और मम्मी को दिखाना है आप तुमको ऐसा ही है ना? पागल है पापा। अब इसको पापा को मम्मी को दिखाना है ना? अम्मी आ जाओ, देख लो अपने बेटे का एक नया रूप। जा जा। तो चलो अब हम लोग पांचवा डेयर को भी कंप्लीट करते हैं। और पांचवा डेयर मिला है इन बच्चों की तरफ से। भाई सुबह से परेशान करके रखे कि साहिल भाई आपको तो एक डेयर हम लोग की तरफ से लेना पड़ेगा जरूर, और ये लोग सोच के रखे हैं पता नहीं क्या डेयर दे रहे हैं ये लोग। तो अब ये बच्चे लोग से लास्ट डेयर लेते हैं, देखते ये लोग क्या डेयर देते हैं। भाई बच्चे मेरे सच्चे होते हैं और मेरे लिए एकदम प्यारे हैं, तो ये लोग एकदम हल्का वाला डेयर देंगे, वो मैं कंप्लीट करूँगा। लोगों क्या पता कि मैं टकला हूँ, बोलूंगा सैलून जा रहा हूँ टकला होने के लिए, भाग जाऊँ उधर से। ठीक है मैं सैलून जा रहा हूँ कि टकला हूँ क्या? ट्रिमर लाओ, तब ट्रिमर लो। हाँ बाबा सारा जुगाड़ रखा है ये लोग भाई, ट्रिमर लिया। तो फिलहाल गाइस हमें नहीं लगता है कि साहिल भाई जो है अपना ये डेयर पूरा कर पाएंगे और टकला होंगे, तो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं अंडा लेके आते हैं। अगर वो टकला हो जाते हैं तो वो अंडा बच्चे लोग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आप लोग खा लेना। अगर वो नहीं होते हैं तो फिर अंडा से बरसात कर देंगे उनमें। ठीक है तो चलो अंडा लेकर के आते हैं। क्या हो? चलो तो गाइस अब हम लोग इस डेयर को भी कंप्लीट करते हैं। म्यूजिक। मैंने कंप्लीट नहीं किया गाइस, ना भयानक तुम लोग मारे हो तो क्या हो गया? मजा आया। ए आला
तो आज के इस डेयर वाले ब्लॉग को गाइज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आज का ये हमारा 5 डेयर आप सभी को पसंद आया होगा, और इस ब्लॉग में मैं 5000 लाइक का टारगेट रखता हूँ। आप लोग आई होप कंप्लीट कर दोगे तो इसी तरह आपको और ब्लॉग मिलते रहेंगे, और कुछ ना कुछ हम लोग यूनिक ट्राई करने की कोशिश करेंगे हर एक ब्लॉग के साथ। अगर आपको और इसी तरह का डेयर चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि हम लोग करवाएंगे इनसे। अब ऐसा ऐसा मत लिखना भाई, ये आपने देखा कबीर भाई कितने भयानक वाले सबसे पहला यही डेयर दिए थे। दूसरा चलो मिलते हैं हम लोग अगले एंड फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।